बेरी सी है, बीज है इसमें। वाह आर्टवर्क यार पास में। हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोग का नवी वीडियो में। मैं अभी हूँ तेहरान में, ईरान का कैपिटल है ये सिटी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अपने दोस्त से। सलाम। Hi. Hi. Salam. How are you? Merci, خوب هم. You want me to speak in Farsi or in English? In English. In English, okay. I was a bit confused. So, firstly, tell us about your name, your travel journey, and of course, how we met. Yeah, that's it. I'm Siamak. Like, I studied photography in university. And the reason I studied photography, it was because I love to travel and I were looking for a reason for my family that they allow me to go and travel. So I thought, okay, it's the best to go and study photography, that I can explain where you go. I say I will go to take pictures for my study. The first country I chose was India. Mm-hmm. So I was traveling to India and traveled there for 6 months. Then I fall in love with India. Yeah. And it takes 3.5 years I lived in India. Wow. And travel to 90 places, built a house in Goa. Yeah. And I met him in Kerala, Varkala. So that's where we met. Thank you. Nice to meet you. और यार अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे बाजार, तो ईरान तेहरान का मेन बाजार है, तो चलिए बाजार घूमने चलते हैं। तो जनाब यार यहाँ पे ना बाजार वाली साइड ही एक पैलेस भी पड़ता है तेहरान में, उसकी एक हमें कुछ बुकलेट टाइप भी मिली है। अब ये पूरी पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। लिखा हुआ है तालार ए आईना, आईना मतलब शीशा। तो इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ द पैलेस हॉल्स ये वाला है। और ये बता रहे हैं भाई इधर जो ये पैलेस वगैरह की बिल्डिंग बनी हुई है, ये किसी एक महाराजा ने नहीं बनाई, अलग अलग टाइम में अलग अलग महाराजाओं ने अलग अलग साल में बनाई हैं, लेकिन सभी इस जगह पे है कंबाइन। तो ये सीन है, ये देखिए आप इसमें शीशे ही शीशे लगे हैं भाई। इन लोगों के यार पर्शियन आर्किटेक्चर में शीशे बहुत होते हैं। तो इन शिराज देयर इज अ मॉस्क विद द मिरर। Yes. Yeah. Every most places you will see mirror work and tile work in Iran. Yeah. Yeah. Tile painting, blue color or mirror. Yeah, one of the main दिखेगा आपको. So nice. चलिए पैलेस है भाई, पैलेस का गेड़ा मारते हैं, उसके बाद जाएंगे बाजार की तरफ। ये देखिए यार जनाब आप लोग पास से, ये टाइल में यार पेंटिंग बना रखी है, तो बहुत गजब आर्ट वर्क है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी, लाइक मेबी मोर देन 100 बॉक्सेस लाइक दिस विद टाइल एंड ईच हैज यूनिक पेंटिंग। या डिफरेंट डिजाइन। या बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, कैसे बनाते होंगे सारी पेंटिंग, मतलब औखा ही काम है। ऊपर भी बना रखी हैं। तो ये सीन है भाई, इधर ओटोमान वाले ने बहुत सारे राजाओं ने बना रखा है और पैलेस का नाम ये है गुलेस्टियन पैलेस। तो गजब। तो यार म्यूजियम के बाद भाई इधर आए हैं और शीशे देखिए आप इधर, मतलब कितना गजब बना रखा है शीशों से। वाह आर्टवर्क यार पास में। ये सारी चीज़ें हैं भाई, कितनी मेहनत लगी होगी शीशों के साथ काम करने में, बाप रे। यार ये कह सकते हैं हम कि भाई ये है पैलेस, मतलब शीशे ही शीशे, मस्त दिख रहा है यार।
ऊपर आए हैं दरबार की तरफ, और इधर भी आप लोग आर्किटेक्चर देखिए बहुत खूबसूरत है। एंड ये मेन जगह यार जहाँ पे दरबार लगता था, ठीक है, मतलब वो सामने किंग बैठा हुआ है, बादशाह, एंड इधर बाकी जो मेंबर होते थे वो बैठते थे। तो ये मेन हॉल है भाई ऊपर, और कितना मस्त आर्किटेक्चर है, गजब। ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, बट फिर भी जो आर्किटेक्चर वगैरह उसमें एक वाइब है अपनी, तो वो बहुत सही है। यार बाज़ार की तरफ एंट्री हुई है, एंड पैलेस के बहुत ही नज़दीक है ये बाज़ार, और ऑलमोस्ट मेरे को तुर्की की वाइब आ गया। लेकिन तुर्की में झंडे ज़्यादा होते थे, ईरान में इन्होंने अपने झंडे थोड़े कम ही लगा रखे हैं। और इधर भाई ये सेंट्रल बाज़ार है ईरान तहरान में, सारी चीज़ें हैं, परफ्यूम, घड़ियाँ, ये देखिए इधर नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स। हम भाई बाज़ार में गेड़ा मारने आए हैं, और मेरे को चप्पल खरीदनी है, बट अगर देखते हैं सही मिलगी तो खरीद लेंगे, नहीं मिली तो नहीं खरीदेंगे। एंड इधर यार मैंने भी सर पे ले रखी है चुन्नी, क्योंकि रश वाला इलाका तो बेटर है। या ओके, नो टी हाउस और कॉफी, लेट्स सी। आई थिंक टी है, एस्प्रेसो। Okay. You want? Yeah. Okay. Yes, for salute fan, ye chai. How old is this shop? I will ask. Oh, he can give me Turkish coffee. They have Turkish coffee. Chai Turki ne dedi? این خانم از هندوستان اومده میپرسه این خدمت این دکان لگ رہی ہے فروشگاه شما چقدر 105 years old shop this is old shop yes ah. and here I guess there are the information you can wow. 105 سال پرانی چائے کافی کی دکان ہے نائس بازار میں यार बाज़ार में ये फ्रूट की दुकान है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दिखा है भाई बड़ा मस्त, ये चेरी नहीं है, इसको ये लोग जोखो लागता बोलते हैं, कुछ जोखो लागता, पता नहीं भाई टेस्ट में कैसा है। जस्ट ईट, सर भाई मीठा नहीं है ज़्यादा ये, कोई यार बेरी सी है, बीज है इसमें, और आलू बखारा टाइप का खट्टा खट्टा है भाई। तो ये बाज़ार एरिया था जहाँ पे हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं दिखा, लेकिन इस्फहान का बाज़ार मैंने सुना है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है, वहाँ चल के देखेंगे। और अभी हम भाई इधर टुक टुक टाइप की चीज़ है ऐसी, जो गाड़ियाँ हैं ना सामने आप लोग देख सकते हैं, ये हमें मेन रोड पे उतारेंगे जहाँ से हमें स्नैप टैक्सी मिल सकती है। तो इस एरिया में यार कैब को, ओला वगैरह को आने नहीं देते हैं, तो इस टैक्सी के सहारे हम लोग बाहर तक जाएंगे। एंड सही, आगे से एक और गाड़ी और आ रही है सामने, वो देखें, बहुत डूंगी सड़क है यार, क्रेजी है। वेलकम टू ईरान, इट्स गुड दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, सो इट्स नॉट द वाओ यू नो, बट इमेजिन इफ यू कम फ्रॉम वेरी हाई स्टैंडर्ड कंट्री एंड या लाइक वेस्टर्न और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। या ये एक गाड़ी थी भाई, काउ या yeah.
پشتتون ماشینه and in the back it's also a car. نه آگه که رهه نه پیچھے که یہ ایران میں special drink, especially in Iran. I've never seen anywhere else. Kind of sweet thing mixed with water and cucumber. Cucumber, okay. Maybe first time I see something like this. Bhai meethi hai aur kheere dal rakhe hain isme. And I think little bit of mint or nimbu bhi. तो भाई ये है पर्शियन लंच तो एंड व्हाट इज दिस वन पोटैटो तहदीक ओके तो ये चावल है भाई इसमें कैबेज और कुछ सब्जियां मतलब साग मिक्स है और ये आलू है यहाँ पे सलाद है ये इनके यार बैंगन की सब्जी है इन लोगों को बैंगन बहुत पसंद है इसमें अनार है और एक दो चीज़ें और हैं तो भाई ये सीन है एंड गजब ये लोग यार खाने को बड़े मस्त तरीके से सजाते हैं डेकोरेशन हमेशा भाई इनकी बड़ी मस्त होती है खाने की कुछ इस टाइप की जगह थी है एंड अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं एंड पर्शियन कुजीन ट्राई करना चाहते हैं तो इस कैफ़े में आ सकते हैं इसका नाम शायद कैफ़े तहरान ही है मतलब सही डिशेज हैं और आपको एक तरह से पर्शियन कुजीन का टच भी मिल जाएगा और अच्छी जगह मतलब तो सही है भाई आज हमने मस्त खाना खाया है यहाँ पे तो जनाब यार घूम फिर के तहरान के बाज़ार वगैरह से और पैलेस से अभी मैं घर वापस आई हूँ और सियाम की यार मोम की तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल गया मोमा के पास उनकी तबीयत देखने तो यार आई थिंक ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं आज तहरान का हमने थोड़ा गेड़ा मारा और यार वो बैंक वालों ने म्यूज़ियम बंद कर रखा है वहाँ पे ज्वेलरी बहुत सही दिखती है आई थिंक अगर म्यूज़ियम ओपन भी होता तो वीडियो अलाउ नहीं थी बट एटलीस्ट मैं देख लेती बट अभी बिल्कुल ही बंद है तो देख भी नहीं पाए एंड सब बढ़िया तहरान में थोड़ी सी कुछ साइड एशिया की फीलिंग आती है कुछ साइड यूरोपियन टाइप की वाइब और फीलिंग आती है तो यह सीन है एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना अगली वीडियो में मिलते हैं